कैलोरी का प्लांट फ्लावरिंग कर रहा है। तो ये जो फ्लावर की ब्यूटी है मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हर बार मैं यही चाहता हूँ कि जो भी मेरे गार्डन में फ्लावर्स होते हैं तो वो फ्लावर्स की ब्यूटी सिर्फ मैं अकेला एंजॉय ना कर सकूँ और आप सभी के साथ मैं शेयर कर सकूँ। और हमारे रोजेज में अच्छे ब्लूम्स आ रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे हमारे रोजेज अभी बंच में फ्लावरिंग कर रहे हैं। रेड कलर के ये हमारे रोजेज हैं और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स इसके ऊपर भी हो रहे हैं। और ये एक हमारा इंग्लिश रोज का प्लांट है और इसके ऊपर भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावर निकल रहा है, जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स। और ये हमारा ग्लेडिएटर रोज का फ्लावर है। तो रोजेज के ऊपर भी अभी फ्लावरिंग्स तो हो रहे हैं, लेकिन थोड़े फ्लावर्स की साइज थोड़ी छोटी हो जाएगी क्योंकि गर्मियों की सीजन है। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स हमारे ये चित्रक के प्लांट के ऊपर है। अभी जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो चित्रक के प्लांट्स है बहुत ही अच्छी ब्लूम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे स्काई ब्लू कलर के इसके ऊपर फ्लावर्स अभी सारे जनरेट हो रहे हैं और दिखने में भी ये जो प्लांट हमारा बहुत ही अच्छा और खूबसूरत लग रहा है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं फ्रेंड्स, इसके फ्लावर्स के अंदर स्मेल नहीं आती, लेकिन ये जो फ्लावर्स हैं फ्रेंड्स आपके गार्डन की पूरी ब्यूटी को चेंज कर सकता है अगर आपने कुछ ये हिसाब से पूरे ग्रुप में आपने इसको रखा है। और एक दो प्लांट की जगह पे आप इसके 10 से 15 गमले ग्रो कीजिए। ये बहुत ही चीप प्लांट है, ज़्यादा महंगे प्लांट्स नहीं आते। 30 रुपीज़ में मैंने ये प्लांट को परचेज़ किया है और 20 रुपीज़ में म्यूनसिपल नर्सरी में भी ये प्लांट मुझे मिल रहे थे। तो एक्चुअली मैंने तो नर्सरी से 30 रुपीज़ में परचेज़ किए थे। तो बहुत ही चीप प्लांट है फ्रेंड्स, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और ये गार्डन की ब्यूटी को भी बढ़ाएगा। लेकिन फ्रेंड्स ये प्लांट को थोड़ी केयर की ज़रूरत होती है, अगर आप इसको ठीक तरीके से केयर नहीं करेंगे तो बाद में यही प्लांट आपके गार्डन की ब्यूटी को ख़राब भी कर सकता है। तो केयर में आपको यही करना है फ्रेंड्स कि आपको ये जो प्लांट है इसको रेगुलरली प्रून करते रहिए। ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो अपने आप में ही लंबा होता जाता है, बुशी बनता जाता है, लेकिन आपको इसकी ब्रांचेस को टाइम से टाइम कट करना ही पड़ेगा। अगर आप इसकी ब्रांचेस को रेगुलरली कट नहीं करेंगे तो बाद में ये जो प्लांट है फ्लावरिंग भी कम देगा और बाद में ये प्लांट दिखने में भी बहुत ही ख़राब दिखेगा। तो जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है मैंने ग्रो बैग के अंदर भी ग्रो किया है, मैंने मिट्टी के पॉट के अंदर भी ग्रो किया है। तो आप कोई भी मीडियम में ग्रो कर सकते हैं, कोई भी सॉइल इसको चल सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कोई पर्टिकुलर सॉइल इसको पसंद होती है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि ये जो प्लांट है इसको हमेशा सॉफ्ट सॉइल चाहिए, ड्राई, इसकी सॉइल जल्दी ड्राई हो जानी चाहिए। अगर इसकी सॉइल ज़्यादा गीली रहेगी तो भी ये प्लांट आपके यहाँ ठीक तरीके से फ्लावरिंग नहीं करेगा। यानी कि एक दिन आप सुबह जब पानी डालते हो और नेक्स्ट दिन जब आप आते हो तो इसकी ऊपर वाली जो सरफेस की मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जानी चाहिए। यानी कि ऑलमोस्ट 70% 80% जितना पानी ये इसकी सॉइल के अंदर से ख़त्म हो जाना चाहिए। वो हिसाब से हमें इसको वाटरिंग करनी है ताकि ये प्लांट आपको बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स दे सकें। तो सबसे पहली टिप मैंने आपको ये दी है फ्रेंड्स कि ये प्लांट को प्रून करते रहिए, जितना हो सके उतना प्रून करिए, हर महीने प्रून करिए। जैसे ही इसके फ्लावर्स ये सारे ख़त्म हो जाएंगे मैं इसको फिर से कट कर लूँगा। जैसे कि ये देखिए, ये एक फ्लावरिंग स्टिक निकली हुई है तो यहाँ से मैं ये प्लांट को कट कर दूँगा ताकि ठीक नीचे से दूसरी नई स्टिक्स निकल सके और फिर से ये प्लांट हमारा फ्लावरिंग पे आ सके। तो मतलब मैं ये प्लांट को सबसे बेसिक और नेसेसरी चीज़ है प्रूनिंग। और सेकेंड टिप है फ्रेंड्स वाटरिंग। अगर आप इसको सही ढंग से वाटरिंग करेंगे तो बाद में कुछ ये हिसाब से ये प्लांट आपको फ्लावरिंग्स देगा। ये जितना भी मैं आपको बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, ये टोटली पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने ये प्लांट को फ्लावरिंग पे लाया हूँ और वही चीज़ मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और तीसरी टिप फ्रेंड्स ये है कि इसको आप सनलाइट दीजिए कम से कम 4 से 5 घंटे की। ये सनलाइट पूछने वाला प्लांट है फ्रेंड्स, अगर आप इसको शेड में रखेंगे तो बाद में ये फ्लावरिंग्स नहीं देगा। तो सनलाइट दीजिए, जैसे कि डायरेक्ट सनलाइट अभी इसके ऊपर आ रही है और सुबह की सनलाइट मैं इसको प्रोवाइड करता हूँ, यानी कि 7 बजे से लेके 10 बजे 11 बजे तक की इसको सनलाइट मिल जाती है। तो बस इसको 4-5 घंटे की सनलाइट दे दीजिए और ये प्लांट आपको बहुत ही अच्छी ब्लूम करके देगा। अब फ्रेंड्स, अब ये प्लांट के मैं फर्टिलाइजर्स की बात कर लेता हूँ कि ये प्लांट को कौन सा फर्टिलाइजर्स चाहिए। तो सबसे प्लस पॉइंट ये प्लांट की ये है कि ये प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है ही नहीं। तो मैंने इसको ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फर्टिलाइजर्स नहीं दिए हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जो फर्टिलाइज़र यूज़ किए हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा कि मैंने इसके अंदर लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा हूँ वीकली बेसिस पे।
यानी कि आप काउडंग लिक्विड भी डाल सकते हो या तो मस्टर्ड केक लिक्विड भी डाल सकते हो। ये दोनों लिक्विड फर्टिलाइजर बहुत ही चीप फर्टिलाइजर है और इजी सोर्स है फ्रेंड्स। खास करके मैं काउडंग की बात करता हूँ क्योंकि मस्टर्ड केक कई जगह पे मिलता है और नहीं भी मिलता, लेकिन काउडंग केक्स ऑलमोस्ट आपको 99% अगर आप इंडिया में रहते हो तो 99% जितनी जगहों पे आपको काउडंग मिल जाएगा। और काउडंग लिक्विड को कैसे प्रिपेयर करना है उसके ऊपर मेरी एक वीडियो मौजूद है, तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, तो वह आप देख सकते हो। तो काउडंग लिक्विड को फ्रेंड्स आप 10 लीटर पानी में 1 लीटर काउडंग लिक्विड को डाइल्यूट करिए और वीकली बेसिस पे आप इसकी सॉइल के अंदर डाल दीजिए। तो ये जो मेन फर्टिलाइजर है वो मैं वीकली बेसिस पे डालता रहता हूँ। बाद में दूसरा एक फर्टिलाइजर आप इसके अंदर डाल सकते हैं, वो है एनपीके। एनपीके आपको कुछ दाने डालने हैं, समझ लीजिए आपका पौधा कुछ ये हिसाब से छोटा पौधा है, तो आप आज से 10 दाने एनपीके के बैलेंस एनपीके आप महीने में सिर्फ एक ही बार डालिए। बार बार भी डालने की ज़रूरत नहीं है, महीने में सिर्फ एक बार आप इसके अंदर एनपीके डालिए और वीकली बेसिस पे आप काउडंग लिक्विड इसके सॉइल के अंदर डालते रहिए और कुछ भी कोई भी फर्टिलाइज़र हमें इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एनपीके नहीं भी डालेंगे तो भी ये प्लांट आपके यहाँ अच्छी खासी ब्लूम करेगा। कई बार होता है ऐसा है फ्रेंड्स कि हमारे प्लांट्स ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से एकदम से ब्लूम पे नहीं आते, तो हमें एनपीके या तो केमिकल कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर्स का सपोर्ट लेना पड़ता है। तो बाय चांस अगर आपके यहाँ ये प्लांट फ्लावरिंग पे नहीं आ रहा हो, सारी केयर परफेक्टली की है, तो बाद में आप एनपीके फर्टिलाइजर्स इसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स एनपीके फर्टिलाइजर्स हमें मंथली ही प्रोवाइड करना है और हो सके तो 45-60 डेज का भी आप गैप रख सकते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स के लिए। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये प्लांट आप केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे तभी ही फ्लावरिंग करेगा। आप सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसे कि आप डालते रहिए, मैंने आपको बोला लिक्विड काउडंग, तो वो आप वीकली बेसिस के अंतर में आप इसके अंदर ये फर्टिलाइजर डालते रहिए, तो ये जो प्लांट है आपको ब्लूम्स ज़रूर देगा। अब पेस्ट की बात आ जाती है फ्रेंड्स। एक्चुअली ये जो प्लांट मैं लाके भी मुझे एक साल हो गया है और एक साल में मैंने ये प्लांट के ऊपर ज़्यादा पेस्ट नहीं दिखे हैं। ये प्लांट डैमेज होता है बस ओवर वाटरिंग से और कोई भी इसके पीछे पेस्ट वगैरह इसका रीज़न नहीं होता ये प्लांट को ख़त्म करने में। तो आप इसके अंदर वाटरिंग का खास ध्यान रखिए। जैसे कि मैं हर रोज़ सुबह जब मैं ये प्लांट के अंदर वाटरिंग करता हूँ तब मैं इसकी सॉइल चेक कर लेता हूँ। बहुत ही ज़्यादा ड्राई होती है तभी मैं इसके अंदर वाटरिंग करता हूँ। और पेस्ट में फ्रेंड्स आप कोई भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड आप इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। नीम पेस्टिसाइड हुआ या तो सोप वाटर हुआ या तो आप बेकिंग सोडा हुआ वगैरह आप पेस्टिसाइड इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। इसके ऊपर जनरली फंगस भी इतना नहीं लगता है, लेकिन अगर आपने इसकी सॉइल को ज़्यादा मॉइस्ट रखा है तो बाद में इसके ऊपर फंगस लगने के चांसेस हो सकते हैं। तो फंगस के लिए अगर आप ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो नीम पेस्टिसाइड बेस्ट है, बेकिंग सोडा है वगैरह, ये सारे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड चल जाएंगे। और ये प्लांट के ऊपर ज़्यादा पेस्टिसाइड का स्प्रिंकल करना भी ज़रूरी नहीं है। आप हर 10 से 15 दिन के अंतर में आप इसके ऊपर एक बार पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन कर लें ताकि ये प्लांट हेल्दी हो सके। अब ये जो प्लांट है फ्रेंड्स ये प्लांट कटिंग से भी ग्रो होते हैं, लेकिन आज तक मैंने इसकी कटिंग ग्रो नहीं की है, तो इसका सक्सेस रेट क्या है वो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। सीड्स का भी मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि आज तक मैंने इसके ऊपर से सीड्स कभी कलेक्ट नहीं किए हैं। बस मुझे ये प्लांट लाके एक साल ही हुआ है। बस मैं जब नर्सरी गया था तो मैंने इसके फ्लावर्स देखे, इतने सारे फ्लावर्स तो उसके ऊपर नहीं लगे थे, थोड़े बहुत फ्लावर्स प्लांट के ऊपर लगे थे, लेकिन मुझे ये प्लांट के फ्लावर्स इतने खूबसूरत लगे कि मैंने ये प्लांट को परचेस कर लिया। बाद में थोड़ी गाइडेंस मैंने नर्सरी वाले से ली और उसको पूछा कि भाई इसके ऊपर मैक्सिमम ब्लूम्स लाने के लिए मुझे क्या करना होगा। उसने मुझे बस एक ही टिप दी कि आप इसको रेगुलरली प्रून करते रहिए, कटाई करते रहिए, ये आपको मैक्सिमम ब्लूम देगा। और रेगुलरली मैंने इसके ऊपर प्रूनिंग करता गया जैसे जैसे ये प्लांट बड़ा होता गया। वैसे फ्रेंड्स जब आप नर्सरी से ये प्लांट लाते हो तो छोटा प्लांट रहता है, उसके ऊपर ब्रांचेस कम रहती है, लेकिन जितनी भी ब्रांचेस होती है उसको आप हल्के से 2-3 इंच जितना कट कर सकते हैं। बाद में फिर से उसके ऊपर न्यू ब्रांचेस वगैरह आना स्टार्ट हो जाएगी। तो कम से कम ये प्रोसेस लाने में फ्रेंड्स ये फ्लावरिंग का प्रोसेस लाने में आपको 4-5 महीने लग सकते हैं, लेकिन थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स। रेगुलरली आप महीने में एक बार आप ये प्लांट को प्रून कर दीजिए और ये प्लांट आपको मैक्सिमम फ्लावरिंग्स देगा। तो ये हमारे चित्रक के प्लांट है फ्रेंड्स। फिर भी अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन है ये प्लांट से रिलेटेड तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।